हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सरकारी जॉब में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट की न्यू वैकेंसी के बारे में। जी हां फ्रेंड्स, इंडिया पोस्ट में GDS की न्यू वैकेंसी 2022 के लिए आ चुकी है, जिसमें फ्रेंड्स आपको यहां पर 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। जी हां फ्रेंड्स, आप बिना एग्ज़ाम के ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। और मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, इसमें आपको यहाँ पर 10वीं में यदि आपके 80% हैं तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। यदि 10वीं में 80 से कम परसेंटेज हैं तो आप इसमें अप्लाई ना करें, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। इसमें आपको यहाँ पर जो पिछले साल के हिसाब से मैं आपको बताऊँ कि इसमें जो फ्रेंड्स इसमें जो हाई परसेंटेज रही है, परसेंटेज के हिसाब से इसमें सिलेक्शन किया जाता है, तो इसमें कम से कम आपकी 80% हैं तभी आप इसमें अप्लाई करें, अदरवाइज़ आपका यहाँ पर सिलेक्शन होना असंभव है। ठीक है, तो इसमें हाई परसेंटेज वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं और उनका ही सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए आपके यहाँ पर कोई भी बाध्यता नहीं कि आपकी इतनी परसेंट है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके 50% है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो ये वैकेंसीज निकाली गई हैं ऑल इंडिया पर वैकेंसीज हैं, और अलग अलग जो स्टेट है उसमें अलग अलग पद दिए गए हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, और आपकी जो अदर क्वालिफिकेशन है उसके बारे में भी बताएंगे, आपकी एज कितनी होनी चाहिए और कब से कब तक आप इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट किए जाएंगे, इसकी भी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और आज चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही लेटेस्ट जॉब की जानकारी मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये फुल नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पर सकते हैं, ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी से निकाली गई है, जिसमें आप 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन गवर्नमेंट .in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और जिसमें आपको यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक के जो पद निकाले गए हैं यहाँ पर देख सकते हैं, 38,926 टोटल पद यहाँ पर निकाले गए हैं जो कि ऑल इंडिया वर वैकेंसी हैं। ठीक है, और इसके जो अलग अलग स्टेट में जितनी वैकेंसी निकाली गई उसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, और इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात की जाए तो 2/5/2022 यानी कि 2 अप्रैल से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हैं, और 5 मई तक आपके आवेदन किए जाएंगे। ठीक है, 5-6 मई, ठीक है, 5/6/2022 यानी कि 5 मई तक आपके आवेदन किए जा सकते हैं। और इसमें यहाँ पर सैलरी के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर स्थित BPM, ठीक है, तो यहाँ पर 12,000 रुपये हैं, और APBM डाक सेवक के लिए 10,000 रुपये आपकी यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। ठीक है, और इसके यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर चेकआउट कर पाएंगे। बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में यानी कि आपकी योग्यता के बारे में। सबसे पहले एज के बारे में बात करते हैं, एज 18 से लेकर 40 ईयर्स इसमें रखी गई हैं, जिसमें आपको यहाँ पर जो एज के बारे में अंडर एज हैं इसमें भी आपको यहाँ पर छूट दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पर ST के बारे में यहाँ पर बात कीजिए, 5 ईयर्स की छूट है, उधर OBC के लिए 3 ईयर्स की है, EWS के लिए कोई एज रिलेशन नहीं है, PWD की 10 ईयर हैं, और PWD जो भी OBC वाले जो कैंडिडेट उनके लिए 13 ईयर्स की है, PWD कैंडिडेट जो कि ST SS से बिलोंग करते हैं 15 ईयर्स की आपको अपर एज में छूट दी गई है। ठीक है, और अदर जो रिजर्व वाले कैंडिडेट हैं उनको 10% की छूट यहाँ पर एज में देखने को मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि ST SS वगैरह होते हैं उनके लिए। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर सुटेबल पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपकी आईज की जो क्वालिटी है वो भी आपको यहाँ पर दी गई है, लो लीजन वाले कैंडिडेट इस तरह के आपको यहाँ पर इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये आपके पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर यदि आपकी ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है, सो फ्रेंड्स आपकी आँखों की ये अयोग्यता है यानी कि लो डिवीजन है आपकी आँखों में, या फिर हार्ड हियरिंग यानी कि सुनने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसका ध्यान में रखना है। ठीक है, बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट यानी कि 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, 10th पास किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्टेट से आपने पास किया हुआ होना चाहिए, और इसके साथ आपको यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज की भी लोकल लैंग्वेज आपको यहाँ पर आनी चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। ठीक है, केवल आपको यहाँ पर 10th पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साइकिलिंग आपको यहाँ पर ऑप्शन में पूछा जाएगा कि आपको चलाना आती है या नहीं आती है, कंप्यूटर नॉलेज है या नहीं, उसकी जानकारी से नॉर्मल डिटेल्स आपको पूछी जाती हैं, जो कि आपके पास है या नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है,
बात करते हैं, आपको यहाँ पर दे सकते हैं साइज, आपको ब्रांच ऑफिस का जो स्क्वेयर फीट फॉर्मेट, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर दे सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस आपको कैसे पे करना है। आपको यहाँ पर GDS के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको दे सकते हैं फीस 100 रुपये रखी गई है। ST SC और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रखी गई है, इसका आपको ध्यान में रखना है। बाकी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फीस रखी गई है। अप्लाई कैसे करना है कि आपको यहाँ पर इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन गवर्नमेंट डेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करेंगे उसमें आपकी जनरल डिटेल से देनी होगी, जिसमें यहाँ पर दे सकते हैं आपका नेम यहाँ पर देना होगा बड़े अक्षरों में, 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए, और आपके फादर्स का नेम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, PWD सर्टिफिकेट हैं तो वो आपको यहाँ पर देने होंगे। स्टेट विच आपको क्लास कौन सी स्टेट्स आपने पास किया है, 10th लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज से 10th पास किया है, पासिंग ईयर से 10th का, और इसके बाद आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और साइन आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। ये सब अपलोड करने के बाद आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर डिवीजन जो प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जो कि ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उस समय आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें ऑनलाइन पेमेंट आपको किसी भी पेमेंट के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दे सकते हैं फ़ोटो का डिटेल्स आपको यहाँ पर दिया गया है, जो प्रोफाइल की यहाँ पर दी गई है, क्या क्या कार्य करना आपको यहाँ पर पढ़ना होता है, डाक के बारे में आपको सभी जानते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो डाक सेवा का क्या कार्य होता है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं आपकी कौन सी पोस्ट के लिए, आपको कौन से सरपंच से कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसीज निकाली गई यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश में, तो लैंग्वेज तेलुगु आनी चाहिए तभी आप इस स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं, शर्त है कि उस स्टेट की लैंग्वेज आपको बोलनी आनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे जनरल OBC सभी कैटेगरी की अलग अलग यहाँ पर पोस्टें दी गई हैं, टोटल आपको यहाँ पर जैसे 1716 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही असम की ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो यहाँ पर 951 है। ऐसे टोटल करके आपको यहाँ पर चेकआउट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको अपना जो राजस्थान है उसकी मैं आपको यहाँ पर चेकआउट करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दे सकते हैं राजस्थान में हिंदी बोली जाती है, और हिंदी यहाँ पर दे सकते हैं राजस्थान में 2390 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, और टोटल पोस्ट आपको यहाँ पर दे सकते हैं 38,926 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इतने पदों पर वैकेंसीज होने वाली हैं 2022 के लिए। ठीक है, सभी स्टेट में एक साथ आपको यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर GDS ऑनलाइन का आपको यहाँ पर GDS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी 80% से ज़्यादा बन रही हैं तो ज़रूर अप्लाई कर लेना। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएगा, और अप्लाई करने का प्रोसेस चाहिए तो वो भी जानकारी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करवा दूंगा, यदि आपकी ज़्यादा मांग हुई तो। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।